ऊना जिला मुख्यालय के समीपवर्ती पनहों में चंडीगढ़ धर्मशाला हाईवे पर मंगलवार सुबह पेश आए सड़क हादसे में सीटीयू की बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कुछ यात्री आंशिक रूप से घायल हुए हैं, हालांकि गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। हादसे के दौरान बस में करीब 8 से 9 यात्री सवार थे। घायल यात्रियों को उपचार के लिए रीजनल अस्पताल पहुंचाया गया है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। प्रथम दृष्टया हादसे का कारण बस का स्किड होना बताया जा रहा है। पुलिस बस के चालक परिचालक समेत बस में सवार यात्रियों के बयान कलमबद्ध कर रही है। मौके पर मौजूद अन्य लोगों ने फौरन हादसाग्रस्त बस में से यात्रियों को बाहर निकाला और घायलों को अस्पताल पहुँचवाया। हल्की सी बारिश थी, ऊपर से रोड पे बाहरी पशु बहुत है, गाय बैल ये वो। अब गाड़ी को ब्रेक मारी और रोड आप देख सकते हो, परला रोड भी देखने में स्टिकी सा लग रहा है। अब रोड वहाँ पे गाड़ी स्टिक हुई है और जाके सफेदे से हिट होके गाड़ी पलट गई है। गाड़ी अपने नॉर्मल स्पीड पे थी मेरे हिसाब से 60-70, मैं इसके बिल्कुल पीछे जा रहा था। आप देख सकते हो जहाँ मेरी गाड़ी वहाँ मैं आ रहा था, गाड़ी हिट होके ही गाड़ी मतलब खड़ी होके और पलट गई है। पर ये जो दुर्घटना हो रही है इसके पीछे पीडब्ल्यूडी की और पुलिस डिपार्टमेंट को थोड़ा सा अपना एक्शन लेना चाहिए। रोड पे बेहताशा स्पीड ब्रेकर बना दिए हैं जो एक्सीडेंट का कारण बन रहे हैं। गाड़ियां स्पीड ब्रेकरों पर लेट हो रही हैं, कई बार ड्राइवर गाड़ियां भगाते हैं, कई बार कार वाले कार भगाते हैं। हर व्यक्ति को जल्दी होती है, ठीक है, आप एक स्पीड लिमिटेशन फिक्स कर दीजिए, जगह जगह बैरिगेट्स लगा दीजिए, वो हल है। अब स्पीड ब्रेकर लगा के गाड़ियों का भी नुकसान हो रहा है, लोगों का भी नुकसान हो रहा है और एक्सीडेंट को बढ़ावा मिल रहा है, ना कि एक्सीडेंट। जब भी बारिश पड़ती है ना तो कोई कोई गाड़ी पलटती है। हमने पुलिस वाले आए थे, हमने लेकर भी गया उनको कि जहाँ तार को ज्यादा पड़ी हुई है उससे बारिश से गाड़ियाँ स्लिप कर जाती हैं, तो वो तो चलो कोई नहीं हम करते हैं। तो उसके बाद एक्शन तो कोई हुआ नहीं। सवारियां सारी सुरक्षित हैं? हाँ बिल्कुल। आपने निकाली है सुनने में? हाँ हाँ मैंने निकाली। क्या नाम है जी आपका? मेरा सुशील कुमार। आप क्या काम करते हो जी? मेरी बिल्डिंग की दुकान है, हम सामने खड़े थे। ठीक है जी। हाँ तो हमने सवारियां निकाली सारी, तो बड़ा शीशा निकाल कर ना गाड़ी का। कितनी सवारियां थी लमसम इसमें? 8-9 के करीब थी। ठीक है जी। हाँ तो सभी ठीक है। वहीं डीएसपी हरोली अनिल पटियाल का कहना है कि पुलिस ने हादसे के संबंध में जांच शुरू कर दी है। बस में सवार यात्रियों चश्मदीदों और बस के ड्राइवर कंडक्टर के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हादसे का प्रथम दृष्टया कारण बारिश के चलते ही सड़क पर स्किड होना माना जा रहा है। विस्तृत जांच में हादसे के सही कारणों का पता लगाया जा सकेगा। वहीं इस स्थान पर बार बार हादसे होने के सवाल पर डीएसपी अनिल पटियाल ने कहा कि पुलिस इस मामले की जांच करेगी और अगर जरूरी हुआ तो इसे ब्लैक स्पॉट चिन्हित किया जाएगा। ये करीब 9:30 बजे 112 पे शिमला से एक सूचना मिली थी सदर थाना में कि एक बस जो है वो अनियंत्रित होकर पलट गई। तो सदर थाना से आईओ मौका पे गया है। बस में ये रूट इस बस का जो था वो ये कांगड़ा से ये चंडीगढ़ जा रही थी और बस में कुल 7 या 8 लोग सवारियां जो थी इसमें। 2-3 सवारियों को जो है वो मामूली चोटें आई हैं जिनका इलाज जो है वो आरएस हॉस्पिटल ऊना में चल रहा है। बाकी हमारी पुलिस टीम जो है वो मौका पे है, जो भी आगामी कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है। सर अक्सर इस स्पॉट पर जो है वो हादसे जो है वो पेश आते हैं, तो इसको लेकर पुलिस किस तरह की कार्रवाई? इसमें हमारा आईओ जो है वो स्पॉट पे है, इन्वेस्टिगेशन में जो भी चीज़ें सामने आएंगी, अगर कोई मैकेनिकल फॉल्ट है या कोई रोड में कोई इस तरह की चीज़ है तो इसको जैसे हम पहले भी करते आए हैं ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई करवा के संबंधित विभागों को उसकी ब्लैक स्पॉट वगैरह को करवाएंगे। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। इस बार लोहड़ी होगी कुछ खास, आपके मन पसंद ऑल्टो के साथ गोयल मोटर्स लेकर आई है कार वाली लोहड़ी। लाए कोई भी पुरानी कार और ले जाए अपनी मन पसंद ऑल्टो कार, ऑल्टो 100% ऑन रोड फाइनेंस के साथ, अभी नहीं तो कभी नहीं। 2022 के मॉडल पर उच्चतम ऑफर्स, आपकी पुरानी कार का सबसे बेहतरीन दाम, कीमतें बढ़ने से पहले खरीद पर भारी बचत का लाभ। तो अभी कॉल कीजिए टोल फ्री नंबर 1800-180-8072 पर।